रामपुर में इंटर बोर्ड की परीक्षा में छात्रा एक और ड्यूटी पर टीचर 10। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में एक परीक्षा सेंटर ऐसा भी है जहां पर परीक्षा देने वाली छात्रा मात्र एक अकेली है, जबकि उस पर देखरेख के लिए तैनात किए गए स्टाफ की संख्या 10 है। रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हामिद इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित किया गया है। शिक्षा शास्त्र की परीक्षा है जिसके लिए केवल एक ही परीक्षार्थी वहां मौजूद था, लेकिन नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा कोई भी असावधानी नहीं बरती जा रही है, जिसका पता इस बात से चलता है कि वहां एक परीक्षार्थी के लिए 10 ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 2 कक्ष निरीक्षक, 3 फ्लाइंग स्काउट, 2 पुलिसकर्मी और 3 अन्य शिक्षक वहाँ तैनात है। विद्यालय के प्राध्यापक रामशरण गगवार ने बताया, विद्यार्थी केवल आज एक ही हैं, शिक्षा शास्त्र का पेपर है 12th का, और इनके क्या कहना चाहिए, परीक्षा पूर्ण कराने के लिए हमारे स्टाफ की तरफ से सब पुलिस वालों को छोड़ के 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। सर और कितने अलग से फ्लाइंग स्क्वाड कितना है? और अलग से कुछ सब उसी में शामिल है, बाकी जो जिले स्तर का जो फ्लाइंग स्काउट चलता है वो आते जाते रहते हैं, और अंधकारी जो हमारे कहना चाहिए सेंटर सुप्रेंट होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं तो वो आते जाते रहते हैं। अभी तक कोई आए नहीं, हो सकता आने वाले होंगे, या वो अच्छा हम रिपोर्ट दे देते हैं पहले ही कितने पेपर हमारे यहाँ कब किस समय है या कौन सी पाली में है, तो उनका पास रिकॉर्ड रहता है, तो एक बच्चे को देखते हुए हो सकता ना भी आए। तो एक बच्चे पर लगभग कितनी ड्यूटियाँ मिनिमम लगती हैं? मिनिमम हमारी 2 कक्ष निरीक्षक लगते हैं, हमारे 3 सचलदल प्रभारी होते हैं, पहले से ही नियुक्त हो जाते हैं, वो लगातार चाहे छात्र एक हो या पूरे सेंटर के सभी बच्चे हों, पंजीकृत जितने छात्र सब हों, तब भी 3 ही रहेंगे, उनके बाद 2 हमारे परीक्षा में लगे रहते हैं, एक जो है केंद्र व्यवस्थापक होते हैं। तो नकल मुक्त अलग, नकल मुक्त कराने के लिए क्या CCTV की व्यवस्था की गई है? हाँ, CCTV की व्यवस्था की गई है, वॉइस रिकॉर्ड की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो नकल रोकने के लिए पूरी व्यवस्था जो है कायदे में नियमानुसार केंद्र व्यवस्थापक और जो हमारे अधीनस्थ जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। भय रहता है बच्चों को उन चीज़ों का, या जो सरकार चाहे कि किसने क्या किया तो उसको देख सकती है, लेकिन कराने और रोकने का काम केवल अध्यापक का ही होता है। अच्छा, इसका कोई रिकॉर्ड भी होता है? CCTV कैमरा तो अपने में खैर इस महीने में इस चीज़ में मुख्य है, रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन मुख्य भूमिका जो है हमारे कक्ष निरीक्षक या सेंटर सुप्रेंट की रहती है। वो जैसे सेंटर को चलाएं, वैसे व्यवस्था को अच्छा चलाएं तो अच्छी रह सकती है, और जैसे खराब करेंगे तो खराब भी हो सकती है। पेपर 2 बजे से दो बजे से और 15 मिनट पहले जो हम बच्चों को बैठा।